धन्यवाद महोदया। आज हिंदू वर्ष नव वर्ष के उपलक्ष्य पर एक ऐसी ऐतिहासिक घड़ी हमारे सामने है और उस सबके हम यहाँ पे पाइक बैठे हुए हैं कि एक ऐसा इतिहास होने वाला है कि आज हम जीएसटी बिल को पारित करने वाले और इसके साथ हम सब साथ में इस देश को एक नया इतिहास के रूप में ले जाना चाहते हैं। वन कंट्री वन मार्केट वन टैक्स, इस रूप पे इस रूपरेखा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ये संकल्पना ही नहीं, अभी ये सच्चाई होने जा रही है। ये सच्चाई इसलिए ज़रूरी है कि जैसे अभी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के बारे में जब हम सोचते हैं, उसके कार्यक्रम करते हैं, जब वो अभ्यास करते हैं, तो एकात्म मानव दर्शन की किताब हर कोई पढ़ता है और सोचता है कि एकात्म मानव दर्शन से हम हमारे विचारधारा के साथ जुड़ते हैं। उस एकात्म मानव दर्शन में ये लिखा है कि इस समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचना यही हमारा काम है और जब तक उस अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे तो इस समाज का कल्याण नहीं होगा। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि वो समाज का अंतिम आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बना है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समाज के अंतिम स्तर तक पहुंचकर लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और उस रूप से जीएसटी टैक्स को लाए। जीएसटी टैक्स क्या है? जीएसटी है लोगों तक, इट्स अ लास्ट माइल टैक्स, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना और हर किसी को एक छत्र में लाके पूरे देश को एक देश और एक टैक्सेशन के रूप से देखना। यहाँ पे बहुत रूप से विरोधी दलों में बैठे हुए सारे लोगों ने कहा कि ये जीएसटी काउंसिल क्यों है, ये स्टेट और सेंटर का कॉम्बिनेशन क्यों है। तो मुझे लगता है ये अचंभित होने की ज़रूरत अभी उन्हें ऐसी पड़ी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है या कहीं ना कहीं जाके वहाँ पे उनकी स्टेट सरकारें नहीं हैं और जो विकास का काम लेके हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसका समर्थन वो करना चाहते कि नहीं चाहते, इसके बारे में मुझे चर्चा करनी, मुझे लगता है इसका विषय मुझे अचंभित करता है। SGST और CGST, स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्स गुड्स के लिए लगाया जाता है और सेंटर की टैक्सेस ये सर्विसेज पे होती है। लेकिन आज जीएसटी की वजह से, एक काउंसिल बनाने की वजह से, जीएसटी काउंसिल आज स्टेट का जो टैक्स गुड्स पे होता है और सेंटर का सर्विस पे होता है वो वाइस वर्सा एक दूसरे को फायदा दे सकता है। पहले सर्विसेज सेंटर ले जाता था, गुड्स के टैक्सेस स्टेट रखते थे, आज सर्विसेज का भी फायदा हर एक राज्यों को होगा और वही गुड्स का फायदा देश को भी होगा। मुझे लगता है एक ऐसी सांझी अच्छी प्रकार किया हुआ है। इस कोशिश को मुझे लगता है विरोधकों ने विरोध करने से अच्छा ये कहना चाहिए था। मुझे वो बीरबल और अकबर की कहानी याद है कि एक बार अकबर राजा के पास एक आदमी दुखी होकर रोते चला गया। उसने अकबर राजा को ये कहा कि राजा, मैंने एक तो कुआं खरीदा है लेकिन ये आदमी उस कुएं से पानी मुझे निकालने नहीं देता है। तो तभी बीरबल को अकबर ने बुलाया और बीरबल को कहा कि इस समस्या का उलझन, जो समस्या पड़ी हुई है, इसका आप सुझाव करो। जब उस समस्या को सुझाने के लिए पूछा गया तो बीरबल को ये समझ आया, उन्होंने उस आदमी को बुलाया कि भाई तूने एक कुआं बेचा है? बोलते हाँ। फिर तू उसको पानी क्यों नहीं लेने देता? कहते नहीं, मैंने कुआं बेचा लेकिन पानी तो मेरा है। फिर वो आदमी कह रहा है कि कुआं इसका और पानी कैसे होगा? तो बीरबल जी ने ये कहा उनको कि अच्छा, आपने कुआं उनको दे दिया और पानी तुम्हारा है, तो तुम पानी पर टैक्स लगाओ, उसको टैक्स दे दो या कुएं का सारा पानी निकाल दो। तो आदमी वो अचंभित हो गया, ये तो मैं फंस गया। तो उसने माफ़ी मांग के ये कहा, चलो कुआं भी आपका और उसके साथ के पानी भी आपका। ये कुआं और पानी की कहानी मैं इसलिए कहती हूँ कि स्टेट और सेंटर में यही कुआं पानी की लड़ाई होती जाती थी। आज कुआं भी आपके और प्यासे के लिए पानी भी आपको मिलेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के रूप से सबको साथ मिलाने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए ये काम किया है। जब हम ये चाहते हैं कि दोनों का फायदा हो, गुड्स और सर्विसेज का, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नारा क्यों दिया है? ये नारा इसलिए दिया है कि एक देश और एक टैक्स के रूप से सारे प्रदेश साथ में आए और हम सब साथ में मिलके जब देश की आर्थिक जनसत्ता जो है, आर्थिक व्यवस्था है, जो देश आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हम भारत को आगे ले जाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस आर्थिक व्यवस्था में कोई स्टेट अलग ना पहुंचे। जैसे छोटों स्टेटों को 5 वर्षों की छूट दी हुई है, जहां पे बहुत सारी, मुझे लगता है किसी को पता नहीं, कुछ कुछ लोगों ने पूछा है कि छोटे स्टेटों को छूट दी है कि नहीं, लेकिन जो बिल पड़ेगा उसको पता चलेगा कि छोटे स्टेटों को भी 5 साल की छूट दी है। उस पर और एक महत्वपूर्ण मुद्दा बहुत सांसदों ने उठाया कि इलेक्ट्रॉनिकली ये सेफ कैसे होगा। मुझे लगता है जिन लोगों ने ये प्रश्न उठाया, खुद उस जीएसटी काउंसिल में उनके मिनिस्टर्स भी हैं और वही लोग हमारी जो बैठकें होती हैं फाइनेंस मिनिस्टर, आदरणीय अर्थमंत्री के साथ, तभी भी वो सवाल उठाया गया था। लेकिन उस रूप से आदरणीय अर्थमंत्री जी ने उनको आश्वस्त किया था कि ये देश की संपत्ति है, ये संपत्ति हम किसी और के पास क्यों जाने देंगे, इट इज़ आर डेटा एंड वाई विल इट गो। पूरा विश्व
एक इलेक्ट्रॉनिक बटन पे अपना काम करना चाहता है, तो भारत डिजिटल इंडिया के रूप से आगे बढ़ना चाहता है और सबको एक छत्र मिलाना चाहता है, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट के लिए, माने आप सोचिए जीएसटी के लिए, वो एसजीएसटी हो या सीजीएसटी हो, एक कागज़, बस एक फॉर्म भरना है आपको, और वो किसी को लेके कंप्लायंसेस है, ये स्टेट का कंप्लायंस है, ये सेंटर का कंप्लायंस, के बीच में कुछ नहीं है। वी आर गेटिंग ओवर द वीएटी एंड ऑल अदर आर्टिफिशियल बैरियर्स, विच आर्टिफिशियल बैरियर्स वर क्रिएटिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड कंप्लायंसेस इशू। आज वो कंप्लायंसेस इशू कम हो रहे हैं और एक फॉर्म पे हम फॉर्म भर के इलेक्ट्रॉनिकली, जिसका खुद को जीएसटी भरनी हो, इलेक्ट्रॉनिकली अपना छोटा कारोबार हो या बड़ा कारोबार अपने रूप से कर सकता है। उस कारोबार के रूप से जब कभी उसको उसका बेनिफिट भी मिलना हो तो इलेक्ट्रिकली उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रकार का मुद्दा हम आगे ले आना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि कोई कह रहा था कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, कोई कहता है वो कंज्यूमिंग स्टेट है, लेकिन मैं जिस स्टेट से आई हूँ, जिस स्टेट से आदरणीय सूर्य जी भी कह रही थी, सुप्रिया ताई, कि उन्होंने पहले समर्थन दिया, बाद में कहा कि नहीं मैन्युफैक्चरिंग स्टेट का क्या होगा, हमारे यहाँ ड्राउट सिचुएशन में महाराष्ट्र में, लेकिन मैं बहुत खुशी और दिल से कहना चाहती हूँ कि 3 साल से जिस प्रकार से ड्राउट महाराष्ट्र ने देखा है, उसके बाद मुख्यमंत्री की जन कल्याण जो सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंचने की, जलयुक्त शिवार, इससे पूरे महाराष्ट्र में आने वाले 3 सालों के लिए पानी भर गया है और महाराष्ट्र अपने रूप से आगे बढ़ना चाहता है। और जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हूं लेकिन मैं भी कंज्यूमिंग स्टेट हूं और मैं तैयार हूं जीएसटी के लिए, जैसे आदरणीय सुप्रिया जी ने भी कहा, तो जब हम तैयार हैं तो ये कंप्लायंसेस को, बैरियर को हटा के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी ने कहा हिकअप होता है, ये होता है, हिचकी तो 2 मिनट की होती है, हिचकी क्या जिंदगी भर नहीं चलती, लेकिन हिचकी में जब आप हिचकी लेते हैं तो 2 मिनट सांस रुका देंगे, उसके बाद कोई मरता नहीं है इंसान, उसके बाद आप अच्छी तरह सांस लेते हैं और हिचकी भी रुक जाती है। तो बस आपको प्यारा हमारे सबका जीएसटी का गुड़ और पानी पीना है और हिचकी निकाल देनी है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ये देश युवा है, इस युवा देश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अभी आपकी सरकार नहीं है, इस देश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, युवाओं को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया से जोड़ना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया से जोड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं इस देश का युवा जो डेमोग्राफिकली डिवाइडेड हो, डिविडेंड हो, लेकिन वो चाहते हो गांव में रहने वाला युवा हो, युवा किसान हो, युवा कोई भी शहर में रहने वाला हो, सेमी अर्बन एरियाज में रहने वाला हो, वो चाहता है कि आज मैं कुछ करूं, आज वो कुछ करना चाहता है, जिसको एक क्लैरिटी मिलनी चाहती है। आज सर्विसेज टैक्स हो, ये टैक्स हो, मुझे याद है आदरणीय अर्थमंत्री जी ने पिछले यूपीए के सरकार में कहा था कि टैक्स टेररिज्म बढ़ता जा रहा है और हमें उस टैक्स टेररिज्म को रुकाना है। मुझे लगता है जीएसटी एक ऐसा उपाय है कि जो टैक्स टेररिज्म को रुकाना चाहता है और लोगों को अपनी सुविधा से बिजनेस करना देना चाहता है। आज विश्व में हम 6वीं आर्थिक व्यवस्था बने हुए हैं। आज इंग्लैंड, जिस देश में हमारे पे 200 साल राज किया है, उस इंग्लैंड को भी पीछे डाल के पूरे विश्व में 6वें नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी हुई है। हमें वो पहले 3 में लानी है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यही सपना है कि मैं इस देश की अर्थव्यवस्था पहले 3 नंबरों पे लाऊं और हर एक युवा देश में रहने वाला, हर एक आदमी अपने सम्मान से जिए और अपनी ताकत से जिए, और जीएसटी उसी एक छत्र को, हर किसी को उस छत्र के नीचे लाना चाहता है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि पूरा विश्व आज हमारे पास देख रहा है, हमें निवेश की ज़रूरत है। आज निवेश से और नौकरियां बढ़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों तक जीने की जो ताकत है, उनका विश्वास है, वो बढ़ेगी। आज उस रूप से जब पूरा विश्व हमारे पास देख रहा है कि एक जीएसटी के रूप से हम करप्शन को परे करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है जब विश्व देख रहा है तो हम सब लोगों ने भी साथ मिल के जीएसटी को समर्थन देना चाहते हैं और समर्थन देना चाहिए, क्योंकि उस निवेश से भारत को हम और रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि परम आदरणीय मौली साहब का मैंने बहुत अच्छा भाषण सुना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पिछले 10 साल से 12 लाख करोड़ का क्या हुआ, किटकैट, बिस्किट, नारियल तेल, बहुत सारी उन्होंने उपमा दी और उस रूप से उन्होंने पूछा। मुझे बचपन में याद है जब हम ट्रेन से जाते थे, मोइली साहब को मैं बोलना चाहती हूँ, तो जब ट्रैक बदलता तो एक कड़कड़ाहट होती थी और बाद में ट्रैक बदलने के बाद ट्रेन स्मूदली उस पर अपने जर्नी पर चलती रहती थी और अपने पथ पर चलती रहती है। ये सिर्फ ट्रैक बदल रहे हैं हम, जिस प्रकार से पिछला शासन था, उस शासन ने इस देश के जो बदहाली की है, उस शासन के बाद हम चाहते हैं कि ये ट्रैक बदलना चाहिए, अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना चाहिए। और मैं अपने भाषण में यही बताना चाहती हूँ, ये कड़कड़ाहट कुछ समय के हिकअप ही है, कुछ हिचकी है, आपको गुड़ और पानी हम जरूर दिलाएंगे, जिसको कंप्लायंस की तकलीफ होगी वो अर्थ मंत्री यहाँ पे मेघवाल जी बैठे वो देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही कहूँगी,
कि इस रूप से आज छोटे छोटे व्यापारी इस रूप से देखना चाहते हैं कि मेरा क्या होगा, क्या किस रूप से टेररिज्म बढ़ा रहे हैं, तो मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ ये मोदी सरकार है, ये यूपीए की सरकार नहीं, ये बोलती है तो करके दिखाती है और उस रूप से जीएसटी के रूप से भी हर किसी को ताकत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।